चल रहे कैसीनो पर सियासत तेज। कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश का बड़ा बयान सामने आया है। बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है, बीजेपी नेताओं में शामिल होने का आरोप लगाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, कांग्रेस ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। तो नैनीताल से ये बड़ी जानकारी, जहां कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश का ये बड़ा आरोप है और होटल में चल रहे कैसीनो पर सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी नेताओं में के शामिल होने पर आरोप लगाया गया है और कांग्रेस ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। तो कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश का ये बड़ा आरोप, कांग्रेस ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं इस पूरे मामले को लेकर। तो बीजेपी नेताओं के शामिल होने का आरोप लगाया और इसे लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए। तो नैनीताल से ये खबर, जहां होटल में चल रहे कैसीनो पर सियासत अब तेज हो गई है। नहीं देखिए, पुलिस ने कार्य अच्छा करा, लेकिन पूरा नहीं करा, अधूरा करा। जो संचालक है वहां के, वो भाजपा के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनके कौन कौन पार्टनर है और कैसे संचालन हो रहा था, संरक्षण के बिना नहीं हो रहा था। सफेद पोशों का, भारतीय जनता रूलिंग पार्टी के सफेद पोशों का इसमें संरक्षण था, इसमें हाथ था। तो हमारी पुलिस से मांगे सबके नाम खोल के सख्त से सख्त कार्रवाई। ये क्या नेपाल का कल्चर यहाँ पे लेकर आ रहे हैं कि कैसीनो चलेगा हमारे क्षेत्र में?